जी अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम इमरान महमूद है और हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर फोर। चैप्टर नंबर फोर है आपका डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट। इस चैप्टर में जो चीज़ें हमने पढ़नी है वो है प्रोजेक्ट के डिफाइन करने के जो स्टेप्स हैं, फाइव स्टेप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे प्रोजेक्ट स्कोप की, फिर प्रोजेक्ट प्रायोरिटीज़ की, फिर WBS जो कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहलाता है, फिर इंटीग्रेटिंग WBS विद ऑर्गेनाइजेशन, और इसके बाद कोडिंग दैट WBS। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिसेस को। ठीक, और इसके बाद हम रेसी चार्ट को डिस्कस करेंगे, और इन दी एंड हम प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेप वन को डिस्कस करेंगे। स्टेप वन है आपका डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट स्कोप की हमने पहले भी डिस्कशन की है, पहले भी बात हुई है कि प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है। प्रोजेक्ट स्कोप ये होता है जिसमें आप अपने एंड रिजल्ट को डिस्कस करते हैं कि हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपका मिशन क्या है मेन इस प्रोजेक्ट का। आप बड़े स्पेसिफिक होते हैं अपने इस स्कोप में। ठीक, आप उसमें अपनी बात बताते हैं कि हम ये चीज़ें अचीव करना चाह रहे हैं, ये बातें हम अचीव करना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकता है। ठीक, आप इसमें थोड़े से मेजरेबल वे में सारी की सारी बातें करते हैं। इसके बाद आप एक चेकलिस्ट है जो कि इसमें फॉर्मली जिसको जिसको चेक किया जाता है बेसिकली। ठीक है, एक चेकलिस्ट है, उसमें सिक्स पॉइंट्स हैं। सिक्स पॉइंट्स में से सबसे मेन है आपका जी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, जिसमें आप अपनी चीज़ों को बताते हैं। जैसे थोड़ा सा पहले भी मैंने बताया, स्कोप में मेन पॉइंट आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव में आपने स्पेसिफिक होकर बताया कि जी हम ये अचीव करना चाह रहे हैं, ये काम करना चाह रहे हैं। एक रैंडम सी एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं एक हेयर ड्रायर बनाना चाह रहा हूँ। ठीक हो गया, तो हमने हेयर ड्रायर की बात कर ली कि हम एक हेयर ड्रायर बनाएंगे जिसका काम ये होगा कि वो बाल वगैरह ड्राई करेगा। ठीक, अच्छा, सेकेंड एम एम पे आ गया कुछ डिलीवरेबल्स। डिलीवरेबल्स में होते हैं कि हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हम आपको ये चीज़ें इस तरीके से डिलीवर करेंगे। ठीक है, उसमें आप कुछ फेजेस वगैरह यूजली बना लेते होते हैं आपके लिए इजी वे में, मैं बताता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ कि जी फर्स्ट हाफ में हम क्या करेंगे कि हम 3D मॉडल बनाएंगे उसका हेयर ड्रायर का। ठीक है, फेज टू में जब आपका वो 3D मॉडल जो है जो कंप्यूटर पे हम बनाएंगे, जब वो अप्रूव हो जाएगा, डिज़ाइन वगैरह सारी चीज़ें अप्रूव हो जाएंगी, तो उसके बाद फेज टू में हम क्या करेंगे कि हम उसका एक प्रोटोटाइप बनाएंगे। ठीक है, उस प्रोटोटाइप को हम फिर लोगों के साथ जो आपके जो क्वालिटी इंश्योरेंस वाले हैं वो चेक कर लेंगे, बाकी लोग चेक कर लेंगे उसको। ठीक, थोड़े से हम उसकी पायलट टेस्टिंग कर लेंगे कि कुछ लोगों को दे देंगे, उनसे रिव्यूज़ ले लेंगे, और लास्ट में हम फिर उसकी मैथ प्रोडक्शन कर लेंगे या हम अप्रूव डिज़ाइन जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपके डिलीवरेबल्स हो जाएंगे। ठीक है, माइलस्टोन्स क्या होते हैं, माइलस्टोन्स आपके डिलीवरेबल्स ही बनते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी आप थोड़े से और स्पेसिफिक हो जाते हैं, थोड़ी सी डेट्स वगैरह आ जाती हैं आपकी कि इस टाइम में हम ये अचीव करेंगे। ठीक है, विद रिपोर्ट्स आपकी बातचीत चल रही होती है। कुछ लोग इसको एक ही कंसिडर करते हैं कि दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं, कुछ इसको डिफरेंट कंसिडर करते हैं, बट मैं पर्सनली इनको बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं कंसिडर करता माइलस्टोन डिलीवरेबल्स को। लेकिन यह है कि माइलस्टोन्स आपके डिलीवरेबल्स की बेस पर ही बनते हैं। इसमें थोड़ा सा आप टाइम बाउंड हो जाते हैं कि आप थोड़ा सा टाइम मेंशन करते हैं, आप उसमें कहते हैं हम एक साल में ये अचीव करेंगे, छः महीने में ये अचीव करेंगे। ठीक, रिपोर्ट्स के साथ थोड़ी सी बातचीत चल रही होती है आपकी, आप उनसे रिपोर्ट में मेंशन करते हैं कि हमने जो जो चीज़ें बनाई थी डिलीवरेबल के टाइम पे, हमने ये कहा था कि हम इस तरह से करेंगे, तो हमने यहाँ पे 6 मंथ्स में ये चीज़ अचीव की है, ये इस क्वालिटी की है, ये इस तरह की है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपकी माइलस्टोन में आ जाएंगी। इसके बाद आपकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आ जाती है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दी हेयर ड्रायर की, इसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में आ जाएंगी कुछ थोड़े से मैनुअल टाइप चीज़ें समझ लें, जिसे आपके लिए यूज़र गाइडेंस हो जाती है। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगा ये। ठीक है, हो सकता है किसी में टेक्निकल रिक्वायरमेंट ज़रूरत ही ना हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट भी हो सकता है। लेकिन जैसे अब इसमें क्या हो सकता है कि इसमें हम थोड़ा सा बता सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे कंट्री में जैसे 220 वोल्ट्स होते हैं, तो जी हम ये कहेंगे कि ये आपने 110 पे इसको यूज़ करना है, तो ये कन्वर्टर के साथ चलेगा, ये डायरेक्ट नहीं चलेगा। ठीक है, आप इस तरह की चीज़ें उसमें मेंशन कर सकते हैं टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में। लिमिट्स एंड एक्सक्लूजन्स क्या होती हैं, आपकी बाउंड्री वॉल एक जो है वो बना दी जाती है कि इससे बाहर ना प्रोजेक्ट निकले। ठीक है, आप पहले ही अपने स्कोप में और सारी चीज़ों में ये बता देंगे कि जी ये चीज़ें हैं, हमने इसको इस तरीके से काम करना है।
क्लास में भी एक दफ़ा डिस्कस की थी, 3 पॉइंट्स को किया था डिस्कस, जिसमें मैंने कहा था एक प्रोजेक्ट स्कोप होता है, एक प्रोजेक्ट चार्टर होता है, ठीक है, और एक आपका स्कोप क्रीप होता है। प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है, प्रोजेक्ट स्कोप क्या होता है, जिसमें हम सिंपल से बताते हैं कि हम ये चीज़ें अचीव करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया। इसके बाद प्रोजेक्ट चार्टर क्या होता है, जिसमें हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। एक्सपेंडेड वर्जन होता है ये आपका प्रोजेक्ट स्कोप का, जिसमें हम बताते हैं कि हम ये काम करेंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे, इतना करेंगे। बजट भी होती है, क्वालिटी की भी उसमें बात होती है, डिटेल रिपोर्ट होती है, मतलब एक मोटी सी रिपोर्ट समझ लें, होती है मोटी सी बुक होती है, जिसमें आप एक एक चीज़ डिफाइन कर रहे होते हैं। लास्ट में आपका होता है जी प्रोजेक्ट, सॉरी स्कोप क्रीप। स्कोप क्रीप आपका ये होता था कि अगर फर्ज करें कि आपने डिफाइन किया कि ये चीज़ें इस तरह से हमने करनी है, ठीक है, और उसमें कोई चीज़ एडिशन हो जाती है, तो ये वो जो चीज़ एडिशन होगी ना, वो फिर आपकी स्कोप क्रीप में आ जाएगी। लाइक मैंने एक एग्जांपल दी थी कि कोई एक रोबोट बनाता है बंदा, ठीक है, तो जो बायर है वो सेलर को कहता है कि जी आप जो है मुझको एक रिपोर्ट बना के देंगे जिसकी 4 टांगे होंगी, ठीक है। जब वो काम स्टार्ट कर देता है, प्रोजेक्ट क्रीप पहुंच जाता है, ये काम चल रहा होता है और आपकी पूरी डीलिंग हो जाती है कि ये पैसे लगेंगे, इतना टाइम लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी बातचीत होगी, सब चीज़ें डील डन हो गई, तो आखिर में एक बंदा वो कहता है कि मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ चाह रहा हूँ कि आप ना इसकी एक टेल भी लगा दें, ठीक है। तो जी अब उसकी दुम लगानी है जब उन्होंने, तो ये तो एक नई चीज़ है, ठीक है, उसके अंदर डिफाइन नहीं थी प्रोजेक्ट के अंदर, तो प्रोजेक्ट स्कोप में नहीं थी, प्रोजेक्ट चार्टर में नहीं थी, तो फिर यहाँ पे होगा कि आप जो है ये एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो ये फिर प्रोजेक्ट ये स्कोप क्रीक में आ जाएगा कि जब आप कुछ उसमें ऐड कर देते हैं। अब उस इस पूरी 3 चीज़ों को मैं से रिलेट करता हूँ लिमिट्स एंड एक्सक्लूजन से, कि आपने स्कोप में बता दिया कि आपने ये काम इस तरह से करना है। मैंने कहा कि जी ये हेयर ड्रायर है जो कि काम करता है, अब इसमें कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ कर दूं कि जी ये बैटरी से भी चले, ठीक है, तो ये एक स्कोप से आप बाहर निकल गए हैं, ठीक है। तो लिमिट्स में हमने सारी चीज़ें मेंशन कर दी थी कि जी ये करंट से चलेगा, डायरेक्ट करंट से चलेगा, आपने स्विच लगाना है अडाप्टर में, और अडाप्टर आपने मतलब करंट वाले स्विच में लगाया और आपका काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये आपका लिमिट्स हो गई, ठीक है। अब जैसे ये लिमिट एक्सीड कर गया, इसने कहा कि जी बैटरी भी अब इसमें इंस्टॉल करें, तो ये फिर ये है कि आपकी जो आपको एक तरीके से ना ये बचाएगा, ये प्रोजेक्ट क्रीप, स्कोप क्रीप से और बाकी चीज़ों से, ठीक हो गया। एक्सक्लूजन्स में भी यही चीज़ आ जाती है, लेकिन ये है कि कुछ अगर ऐसी बात हो जाए कि जिसमें हम किसी एक रीज़न की बेस पे कह देते हैं उसे कि यार हम चीज़ वापस कर देंगे। मैं वैसे ही आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जी आपने किसी से कुछ चीज़ें इम्पोर्ट कराई हैं और आपने कहा कि सब चीज़ें ठीक है, मेरे पास पहुँच जानी चाहिए, बट अगर कोई बारिश हो गई या कोई इस तरह की सीन हुआ तो फिर मैं ये एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है, मैं कोई ऐसी कोई चीज़ मंगवाता हूँ, ठीक। तो उसमें ये है कि ये एक एक्सक्लूजन हो जाती है, या वो बंदा जो इम्पोर्ट कर रहा है, ये तो खैर थोड़ी सी एम्बिगस सी होगी एग्जाम्पल, एक और आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, थोड़ी बेहतर हो जाती है कि आपने किसी के साथ डील की कि मैं आपको इस तारीख तक ये चीज़ें डिलीवर कर दूंगा, ठीक है, प्रोजेक्ट दे दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली उन दिनों में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। मैं कोरोना की आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आपने दिया हुआ है एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि आपने ये चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, कोई घर बनाना है, कुछ बनाना है, लेकिन कोरोना जिस तरह से स्टार्ट हुआ और आपके सारे जो एक जो चल रहा था निज़ाम, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुआ, थोड़ा सा ख़राब हो गया, थोड़ा सा टूट गया जो एक मोमेंटम बना होता है हर काम का, तो यह है कि आप प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर नहीं कर सके, तो ठीक है आपने उसको बता दिया, तो एक ऐसी एक्सक्लूजन थी कि आप उसमें उसको भी थोड़ा सा कंसिडर करना चाहिए, और ये एक सामने की बात थी, तो ये इस तरह की चीज़ों में फिर आप उसको वो कर देते हैं। आखिर में आपका है जी रिव्यूज़, रिव्यूज़ कस्टमर से लेते हैं हम, इसमें रिव्यूज़ विद कस्टमर है ये पूरी हेडिंग। इसमें आपके इंटरनल कस्टमर्स भी हैं, एक्सटर्नल भी हैं। इंटरनल कस्टमर्स होते हैं जो आपके कंपनी के अंदर के ही लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ भी आपके इंटरनल कस्टमर होता है, ठीक है, स्टाफ भी आपका इंटरनल कस्टमर होता है, सप्लाई चेन जो कर रहे हैं बंदे आपकी जो चीज़ें बांट रहे हैं आगे लोगों को, ठीक है, मेन शॉप्स पे जा रहे हैं या कुछ इस तरह से कर रहे हैं, या रिटेलर्स को या आगे पीछे चीज़ें पहुंचा रहे हैं, वो भी आपके इंटरनल कस्टमर्स में आते हैं। एक्सटर्नल कस्टमर मोस्टली आपके जो होते हैं, जो एंड यूजर्स होते हैं, ये गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर आप इसको आप वही रखें कि जो एंड यूज़र है वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा समझने के लिए, ठीक है। आप उनसे रिव्यूज़ वगैरह लेते हैं कि काम ठीक है, कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्वालिटी आप के हिसाब से ठीक है, आप खुश हैं इस चीज़ से, तो ये चीज़ें आप इसमें पूछती हैं। इसके बाद है आपका स्टेप 2। स्टेप 2 में आप कहते हैं कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेड ऑफ, ये एक ट्राइंगल है जिससे आप बेहतर तरीके से समझ जाएंगे कि एक स्कोप है, ठीक है, आपने बता दिया कि ये काम है, एक चीज़ है क्वालिटी, एक है कॉस्ट, एक है टाइम। तो इसमें यह है कि अगर आप क्वालिटी अच्छी करेंगे तो कॉस्ट आपके ऊपर जाएगी, ठीक है, टाइम भी आपका फिर ज़्यादा हो सकता है कि लग जाए,
ठीक है, टाइम अगर आपने कम करना है तो कॉस्ट पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हो सकता है स्कोप पे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ठीक है। क्या अगर वो कहता है कि मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज़ चाहिए तो क्वालिटी भी आपको कम करनी पड़ेगी। स्कोप में ये है कि अगर वो कहता है कि जी मुझको टेल भी लगा के दे, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने रोबोट बनवाया और मैं उसमें कहता हूँ कि जी मुझे चार टांगे वाला एक रोबोट चाहिए, ठीक है, वो कहता है बाद में कि दुम भी लगा दो, तो स्कोप कम कर देते हैं हम इस तरह से कि अगर उसने ओवरऑल डिफाइन पहले से किया होता कि मुझे दुम समेत चार टांगे ये एक रोबोट चाहिए, ठीक है, तो उसमें होगा क्या कि वो कहेगा कि जो बनाने वाला वो कहता है कि अगर आप ये टेल वाला चीज़ माइनस कर देना स्कोप में से तो ये है कि आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी सी कॉस्ट भी आपकी बच जाए। तो ये इस तरह से आपकी एक है कि आप अपनी बाकी चीज़ों को इस तरह से आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद है आपका स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में है क्रिएटिंग ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, मेजर ग्रुपिंग्स फाउंड इन WBS। इसमें मेन बात आपको मैंने आपको आगे एक एग्जांपल भी है, ये अगली स्लाइड मैंने कर दी है, अभी रिलेट भी कर देता हूँ। मेन पॉइंट ये है कि जी आप जो है एक बड़ा सा एक प्रोजेक्ट लेते हैं, ठीक है, मेजर ग्रुपिंग्स में से ये होता है कि आप एक जी बड़ा सा आपने कोई एक चंक लिया कि जी ये काम है, ठीक है, उसके फिर आपने छोटे छोटे पार्ट्स बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, आपने उसको निकालना स्टार्ट कर दिया उसमें से, मतलब कि आपने अगर फर्ज करना है कि किसी एक चीज़ की प्रमोशन करनी है, ठीक है, किसी एक प्रोजेक्ट की आपने एडवर्टाइजिंग करनी है, उसको आपने लोगों को दिखाना है, तो उसमें से आप चार पांच चीज़ें निकाल सकते हैं मार्केटिंग के हिसाब से। यानी कि एक होगा कि जी एक बंदा है वो ऑनलाइन काम करेगा, ऑनलाइन मीडिया जितना भी आपका सोशल मीडिया वगैरह उस पर काम करेगा, एक है जो प्रिंट मीडिया पे काम करेगा जो कि ये टीवी शीवी आपके आ गए, इसमें अखबार वगैरह भी आ गए, ठीक हो गया, एक है जी डोर टू डोर कंपेन वगैरह करने के हिसाब से हो गई, ठीक, तो ये तीन चीज़ें हो गई हैं, ठीक। फिर उस ऑनलाइन में भी आप अगर जाएं तो ऑनलाइन को आप मजीद काम कर सकते हैं, जो सोशल मीडिया उसमें एक ये है कि जी एक बंदा खाली ट्विटर पे लगे, एक बंदा खाली फेसबुक पे लगे, एक बंदा इसी तरह से लिंक्डइन पे काम करे, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक। तो आप इस तरह से काम करते हैं, अपने ब्रेक करते हैं काम को। मैं अगली साइड पे लेके जाऊंगा दोबारा, तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से और भी चीज़ें समझ आ जाएंगी। हाउ WBS हेल्प्स द प्रोजेक्ट मैनेजर, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं आपके सामने, एक सारी चीज़ें लिखी भी आ जाती हैं, ठीक है, आपके लिए वर्क असाइन करना आसान हो जाता है, लोगों को बताना आसान हो जाता है, आपके पास सामने की सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उस तरह से लिखी हुई नज़र आ रही होती हैं कि आपको पता होता है कि हमें किस चीज़ पे क्या चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, किस तरह की चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, कितने लोग उसमें ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है। WBS डेवलपमेंट, ये हम अब अगली साइड पर डिस्कस करते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में आपको एक बड़ी सिंपल सी आपकी बुक में भी दी हुई है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के हिसाब से ही है कि अभी आपको सब कॉन्सेप्ट इसमें से मिल जाए। इसमें देखें कि पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें वो बात कर रहा है कि जी हम जो है चार चीज़ें उसने निकाली हैं इसमें से, वेंडर सॉफ्टवेयर है, माउस कीबोर्ड वॉइस है, डिस्क स्टोरेज है, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट है, ठीक है। तो अब आप इसमें देखें कि जो डिस्क स्टोरेज यूनिट्स है ना उसमें उसने तीन चीज़ें बताई हैं, ठीक है, फ्लॉपी ऑप्टिकल हार्ड, तो ये तीन चीज़ें थी, तीन कंपोनेंट्स हैं जो आपके स्टोरेज यूनिट्स में आते हैं। यही एग्जांपल को मैं जिस तरह से अभी आपके सामने एग्जांपल पहले दे रहा था कि आपने डिफाइन किया काम को कि जी हम मार्केटिंग करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैं अब यहाँ पे बताता हूँ कि पर्सनल कंप्यूटर प्रोटोटाइप पे मैं कहता हूँ कि जी यहाँ पे हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, कहती है हमने किसी प्रोडक्ट की ब्रांड प्रमोशन करनी है, ठीक है। इसके बाद हम कह देते हैं जनाब जी कि एक बंदा जो है वो टीवी पे काम करेगा, ठीक है, वेंडर सॉफ्टवेयर को हम कह देते हैं कि ये टीवी पे एक बंदा काम करेगा, ठीक, एक बंदा जो है वो अखबार वगैरह पे काम करेगा, प्रिंट वगैरह इस तरह से करेगा, तीसरा बंदा जो है वो उस पर करेगा ऑनलाइन सोशल मीडिया, जितना भी आपका सोशल मीडिया पे काम करेगा, डिस्क स्टोरेज यूनिट्स को हम इस तरह से कह लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम तीन चीज़ें बता रहे हैं कि हमने बताया कि जी एक ट्विटर पे काम करेगा, फ्लॉपी को हम ट्विटर कह देते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल में हम बात कर देते हैं कि जनाब जी वो जो है वो फेसबुक पे काम करेगा, ठीक है, एक है वो इंस्टा पे काम करेगा, तो ये इस तरह से चीज़ें हैं, ठीक, तो ये आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब इसमें यह है कि जी मैं ये कह देता हूँ कि जी कंपनी मेरी है, ठीक है, कंपनी का मार्केटिंग का जो काम है वो भी मैं साइन करता हूँ कि जनाब मैं पर्सन मतलब पर्सन ए को दे रहा हूँ, ठीक है, वो पर्सन ए जो है वो क्या करता है कि जब उसने कहा कि जी मैं ये काम टास्क डिवाइड कर रहा हूँ तो उसने एक टास्क दे दिया जी पर्सन बी को, पर्सन सी को, एक पर्सन डी को, पर्सन डी जो है वो इस टाइम पे सोशल मीडिया पूरा का पूरा देख रहा है। अब वो जो सोशल मीडिया देख रहा है पर्सन डी, वो अपने आगे तीन चार बंदों को हायर कर रहा है जिसमें से एक वो जो है ट्विटर देख रहा है, एक लिंक्डइन देख रहा है, एक फेसबुक देख रहा है, एक इंस्टा देख रहा है,
तो ये आपके पास इस तरह से होता है जिसमें आप एक फ्लो चार्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट्स जहाँ पे भी आप देखेंगे वो इसकी एग्जाम्पल है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एग्जाम्पल है, ठीक। और ये फ्लो चार्ट्स जो हैं वो आपके इसमें आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हम ये करेंगे इंटीग्रेटिंग द WBS विद द ऑर्गेनाइजेशन। पिछली एग्जाम्पल से इसको रिलेट करूंगा। यहाँ पे जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि हम पर्सन ए को दे रहे थे ये टास्क, पर्सन बी को ये दे रहे थे, पर्सन सी को ये दे रहे थे, तो वो आपकी यही होती है कि जब आप WBS बना लेते हैं तो फिर यह है कि आपके लिए आसान हो जाता है कि आप किसी को टास्क वगैरह दे सकें, ठीक है। कि या कोई और एक कंपनी है जिसकी मैं फर्स्ट करें कंपनी स्टार्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ फाइनेंस एक कंपनी देखेगी, सॉरी एक शख्स देखेगा, पर्सन बी उसके मार्केटिंग देखेगा, पर्सन सी उसकी HR डिपार्टमेंट देखेगा और एडमिनिस्ट्रेशन सारी देखेगा, ठीक है। तो मेरे लिए आसान हो जाएगा कि जी मैं कह दूंगा कि जी पर्सन ए जो है वो मार्केटिंग को देख ले, पर्सन बी जो है इसको देख ले, पर्सन सी इसको देख ले, ठीक है। तो मेरे लिए जो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से कि मैंने अपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई इस तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, तो मैं उसमें ये कह दूंगा कि वो बंदा जो है मार्केटिंग का वो बड़ा अच्छा काम करता है सोशल मीडिया पे, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि तुम जो है वो ये काम करोगे, तुम मेरी ट्विटर वगैरह को, सोशल मीडिया की जितनी भी है उन सबकी पोस्ट वगैरह तुम देखोगे, ठीक है। तो मैं इस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ और अब ऑर्गेनाइजेशन के बंदों के साथ जो है वो रिलेट कर दूंगा। कोडिंग द WBS फॉर द इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये क्या होता है, हम यहाँ पे कोडिंग दे रहे होते हैं, ठीक है। हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है काम करने के लिए, तो हमने अगर आप स्लाइड पे देखें तो आपको नजर आ रहे होंगे छोटे छोटे से नंबर 1.0, 1.1, 1.3, 1.2, ठीक है। तो आप आसानी से किसी को समझा भी सकते हैं कि लाइक पर्सन ए जो है वो इस टाइम पे 1.1 को हैंडल करेगा और 1.1.1, 1.1.2 और 1.1.3 इसके अंदर चीजें हैं, तो मैं ये कह दूंगा कि पर्सन सी जो है वो 1.1.1 को हैंडल करेगा, पर्सन डी 1.1.2 को करेगा और पर्सन ई जो है वो 1.1.3 को करेगा, ठीक हो गया। ये आपके इस तरह से कोडिंग्स होते हैं जो कि आपको इस तरह से फायदा देती है। इसके है जी प्रोसेस ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, सॉरी प्रोसेस ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्रोसेस ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है कि जी अगर कोई आपका थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, ठीक है, तो आप उसको भी ब्रेक डाउन कर देते होते हैं। लाइक मैं अगर घर की दीवार बनाना चाह रहा हूँ तो पहले मैं ये कहूँगा कि मैं प्रोसेस में ये होगा कि जी पहले हम थोड़े से ज़मीन को खोदेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम उस पर दीवार वो ईंटें रखेंगे और वो सीमेंट लगाएंगे, ठीक है, कि दीवार खड़ी हो जाए, उसके बाद प्लस्तर कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये प्रोसेस आपका हो रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस को आपने ब्रेक डाउन किया कि जी पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक। ये आपकी WBS के साथ मिलके ही काम हो रहे होते हैं दोनों चीज़ों के, ठीक। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिसेस की बात करते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबल है और एक सपोर्ट है। ये एक वैसे ही एग्जाम्पल है, रैंडम सी एग्जाम्पल, आपकी बुक में भी यही वाली दी हुई थी कि इन्होंने कुछ चीज़ें इस तरह से पॉइंट डिफाइन किए हैं, जैसे आइडेंटिफाई टारगेट कस्टमर्स हो गया, ठीक है, डेवलप ड्राफ्ट क्वेश्चन एयर हो गया, पायलट टेस्ट क्वेश्चन एयर हो गया, फाइनल टेस्ट क्वेश्चन एयर, इस तरह से सारी की सारी इन्होंने चीज़ें लेके रखती हैं, ठीक है। तो इसमें यह है कि इन्होंने कुछ लोगों के नाम लिखे हुए, लाइक रिचर्ड, डैन, डेव, लिंडा, एलिजाबेथ। अब ये है कि इसमें इन्होंने हर एक काम के लिए ना एक बंदा रिस्पॉन्सिबल किया हुआ है कि उसने ये काम करना है, और उसके साथ एक और बंदा है जो उसको सपोर्ट करेगा, असिस्ट करेगा उस मामले में, वो उसके अंडर काम करेगा, ठीक है। किसी एक टास्क में दो लोग भी काम कर रहे हैं, लाइक पहली एग्जाम्पल देखें, उसमें रिस्पॉन्सिबल जो है वो रिचर्ड है, ठीक है, और डैन और लिंडा जो है वो इसमें इनको सपोर्ट करेंगे, कस्टमर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये उस हिसाब से जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जाम्पल दी थी कि वो हेयर ड्रायर की बात है, तो ये जी आइडेंटिफाइड टारगेट कस्टमर्स, ठीक है, कि कौन से हमारे कस्टमर्स हो सकते हैं, वो बताएगा कि जनाब पीपल विद लॉन्ग हेयर जो हैं वो हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं, ठीक है। रिपोर्ट भी बना सकते हैं इसमें, अगर किसी एरिया की बात करें तो वो एरिया पे बात करेंगे कि जनाब जी उस एरिया के लोग जो हैं उनके बाल ज़्यादा ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, वहाँ के लोग ज़्यादा ज़्यादा बालों के शौकीन हैं कि उसको बना के रखें, उस तरह से रखें, ठीक। और वहाँ पे सर्दी ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगता है बाल सूखने में, अगर हमको बाहर ले जाएँ मतलब धूप के इंतज़ार में हो या इस तरह से, तो ये है कि हम जी है बेहतर है कि हम यहाँ पे ये सेल वगैरह कर सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट में भी उन्होंने दिखाया कि जी रिचर्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और सपोर्ट में डैन और डेव है, ठीक। इसके बाद अगर थोड़ा सा और नीचे जाएं तो प्रिंट क्वेश्चन एयर है, तो ठीक है, इसमें एलिजिबल जो है वो आपकी खाली एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, उसके साथ कोई कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, तो यानी कि ये टास्क जो है ना वो एलिजिबल के हाथ में अकेला, ठीक है, उसमें कोई ऐसा किसी की रिस्पॉन्स वो सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं, असिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी किस्म की एग्जाम्पल है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा आपको आसान हो जाता है कि कौन किसके अंडर काम करेगा, कौन किसके अबव काम करेगा, रिपोर्ट कौन किसको करेगा। पहले एग्जांपल में है कि जी डैन और लिंडा जो है ना, और रिचर्ड को रिपोर्ट भी करेंगी और उसको सपोर्ट भी करेंगी। ठीक है, उनको बताएंगे कि जी हमने ये काम कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, और रिचर्ड जो है वो इन दोनों को बताएगा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ काम, तो बेहतर है आप लोग भी इसी तरीके से करें, ताकि एक ही प्रोसीजर को फॉलो करें, ताकि बेहतर तरीके से सिमिलर रिजल्ट निकले हमारे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके जी रेसी चार्ट। रेसी चार्ट का कॉन्सेप्ट मैंने एक दफा पहले भी दिया था आपको। रेसी चार्ट में होता यह है कि हम जो है रेसी से बनता क्या है, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, कंसल्टेड और इन्फॉर्म। ठीक है, अब इसमें यह है कि ये एक एग्जाम्पल है रैंडम सी, जिसमें आप ये देखेंगे कि कौन कौन इन्फॉर्म्ड होना चाहिए, कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, कौन से बंदे अकाउंटेबल होंगे। ये याद रखिएगा कि किसी एक काम के लिए पॉसिबिलिटी है कि दो बंदे उसको रिस्पॉन्सिबल हों काम करने के लिए, बट अकाउंटेबल एक ही होगा, एक उसके लिए। जैसे डिजाइन साइट मैप है, डिजाइन फ्रेम, डिजाइन वायर फ्रेम्स हैं, क्रिएट स्टाइल गाइड है। ठीक है, ये पूरा एक टास्क है। ठीक है, तो इस पूरे टास्क में ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दो बंदे मिलके काम कर रहे हो, दो रिस्पॉन्सिबल हों, लेकिन अकाउंटेबल एक ही बंदा होगा। ये देखें, ये डिजाइन का काम कुछ इस तरह से चल रहा है, तो इसमें ये है कि डिजाइनर को ये लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी ये अकाउंटेबल है। अब उस अकाउंटेबल जो बंदा है वो क्या करेगा कि सब लोग जो हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, वो इसको वो करेंगे, उसके लिए काम करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो उसको सारी चीजें हैंड ओवर कर देंगे, और जो मेन बंदा यानी कि जो अकाउंटेबल होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यानी कि उसका काम होगा कि वो इस काम को बाकियों से निकलवा के अपने पास इकट्ठा करे और फिर अपने सीनियर अथॉरिटी को दे। ठीक है, और अगर कोई इस टीम में घपला हो जाता है या काम नहीं होता, ठीक है, तो जो टॉप मैनेजमेंट है वो इसको अकाउंटेबल ठहराएगी कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें हमने पावर दी थी कि तुमने ये काम करना है, तो फिर तुमने क्यों नहीं किया। ठीक हो गया, रिस्पॉन्सिबल की भी बात है इसी तरीके से कि रिस्पॉन्सिबल वाला बंदा अकाउंटेबल के नीचे होगा। ठीक है, वो काम उसका करके देगा, डिलीवर करेगा उसको। ठीक, इन्फॉर्म क्या चीज़ होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपने उससे इसको इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे एक हो सकती है इसमें कि मैं कहता हूँ कि मुझको ये चीज़ें मंगवानी है बाजार से। ठीक है, कुछ चीज़ें, मैं कुछ पकाने का काम कर रहा हूँ। ठीक, तो मैं इन्फॉर्म कर दूं जो मेरे गेस्ट हैं कि आपने 12 बजे तक आना है। ठीक है, 12 बजे तक आना है, तो ये किस तरह से कि आपने उसको इन्फॉर्म करके रखना है किसी भी एक काम के लिए कि जी तुमने ये काम जो है, मैं ये काम इतने बजे तक करूंगा। ठीक है, तो तुम्हारे इन्फॉर्मेशन में ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये इस तरह से होगा। इसी तरीके से आप अगर दूसरी बात करते हैं कि जी कंसल्टेंट क्या है, कंसल्टेंट में ये होता है कि किसी बंदे की किसी एक खास चीज़ में एक्सपर्टीज है, तो आप उससे वो चीज़ कराएं। मतलब मैं कोई गेमिंग जोन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मैं ढेर सारे कंप्यूटर्स ले आता हूँ, तो मैं उसे पूछता हूँ किसी नेटवर्क वाले से कि जो मेरी सारी नेटवर्किंग करेगा, कि मैं कौन सी तार लेकर आऊँ, कौन सी वायर लेकर आऊँ। वो RJ45 होती है मेरे ख्याल में। ठीक है, वो वायर बताएगा मुझे, वो कहेगा मुझे कि इस कंपनी की आप लेकर आए, उसकी वो जो कंपनी है वो अच्छी वायर बनाती है। ठीक है, वो मुझे इस चीज़ में हेल्प कर सकता है। मैं किसी और से कंसल्ट करता हूँ कुछ चीज़ें कि मैं जो गेमिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ उसमें मुझे किस टाइप का जो है वो सॉफ्टवेयर यूज़ करने चाहिए, या मुझे किस टाइप का वो वीडियो कार्ड यूज़ करना चाहिए कि मेरी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो। ठीक है, रैम कितनी तगड़ी होनी चाहिए, वो मैं उसे कंसल्ट करूँ। तो ये आपको कंसल्ट का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, इसके बाद हमारी आखिरी चीज़ जो है स्लाइड की, वो है प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन प्लान। इसमें हम मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सिंपल सी बात इसमें जो हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो इसमें है ओवरऑल बात, कि जी हमने प्रोजेक्ट की जो कम्युनिकेशन है ना, वो किस तरह से करनी है लोगों के साथ। ठीक है, स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात करते हैं, तो स्टेक होल्डर होते क्या हैं, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ। स्टेक होल्डर्स हर वो बंदा जो आपके उस चीज़ के लिए जो उस चीज़ में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, उसमें आपका मतलब अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, मैं स्लीपर्स बनाता हूँ, चप्पल बनाता हूँ, इसकी मेरी कंपनी है। ठीक है, तो उस कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, CEO से लेके उस कंपनी का गार्ड तक, वो सारे के सारे हैं। ठीक है, वो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं। प्लस और कौन कौन से हो सकते हैं, जो बंदा वो डिलीवर करता है। ठीक है, सर्विस की है ना शॉप, तो सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग हाउस से लेके वो वेयर हाउस में गया, वेयर हाउस से लेके
आखिर का आउटलेट तक गया, आउटलेट से मैं परचेज करके ले आया, ठीक है। तो मैं भी इसका स्टेक होल्डर हूँ, सर्विस के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पे जितना लोग काम कर रहे हैं वो उसका स्टेक होल्डर है। प्रोडक्शन हाउस से लेके वेयर हाउस तक, वो जहाँ पे वो सारा स्टोर करेंगे वहाँ तक जो गया, जो बंदा लेकर गया, जो वेयर हाउस में उसकी टेक केयर कर रहा है वो भी, वहाँ के गार्ड भी, मतलब हर बंदा शुरू से लेके आखिर तक उस प्रोडक्ट का, जो जो बंदे से पास से होकर वो गुजरेगी चीज़, वो उसका स्टेक होल्डर होता है, ठीक है। ये स्टेक होल्डर की डेफिनेशन होती है। स्टेक होल्डर एनालिसिस की बात करेंगे तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि उस टाइम पे किस बंदे के एनालिसिस का क्या हिसाब किताब उसमें वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। ज़्यादातर इसमें टॉप मैनेजमेंट आपकी आती है, ठीक है, कस्टमर्स भी आते हैं आपके, तो ये आपके उनके एनालिसिस वगैरह की थोड़ी सी बात हो रही है। इन्फॉर्मेशन नीड्स की बात करेंगे तो जी किसको कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है, किस टाइप की इन्फॉर्मेशन देनी है, ये सारी की सारी इसमें चीज़ें आती हैं। इंटरनल ग्रुप्स की भी बात आएगी इसमें, एक्सटर्नल ग्रुप्स की भी बात आएगी। इन्फॉर्मेशन में आपकी मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेगी, पर आपके इसमें स्टेटस रिपोर्ट्स आपकी प्रोजेक्ट की आ जाएंगी। सबसे पहले तो आपकी स्कोप की भी आएगी, ठीक है, फिर स्टेटस क्या चल रहा है, अभी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा, टीम लोग कैसे काम कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन नीड्स में आ जाएंगी आपकी, ठीक हो गया। सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन में क्या है, सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन में भी यही है आपकी कि जी जो रिपोर्ट्स हैं वो किस तरीके से फ्रिक्वेंटली निकल रही हैं, ठीक है, किस किस के पास वो जा रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इसके बाद यह कि जी डिसेमिनेशन मोड्स, इसमें ये बात हो रही है कि आप किस तरीके से अपनी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, कौन कौन से वो मोड्स हैं, कौन कौन से वो मेथड्स हैं। अब तो आजकल सब जो हैं वो ईमेल्स पे ही चल रहे हैं। फिजिकली आप ये है कि कहीं आपकी कोई मीटिंग हो रही है तो आप उनको हार्ड कॉपीज दे देंगे, पुराने ज़मानों में फैक्स वगैरह था तो उनका भी कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब तो खैर फैक्स में हमें शायद बिल्कुल भी ख़त्म हो गया, अब तो शायद नहीं है, तो अब ईमेल्स पे ही सारी की सारी चलती हैं चीज़ें, ठीक हो गया। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टाइमिंग, किस बंदे के पास कितनी पावर है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता है, उसकी ऑथेंटिसिटी भी इस पे आएगी, किस टाइम पे शेयर करनी चाहिए। लाइक मिनट ऑफ मीटिंग्स, आपने शायद एक लफ्ज़ सुना होगा, मीटिंग्स जब भी होती हैं तो वो MOM लिखा जाता है कि क्या उस मीटिंग में क्या बात हुई, कैसे बात हुई, किस एजेंडे पे बात हुई, किस किसने क्या बात की, ठीक है, वो सारी की सारी मेन पॉइंट्स, मेन मेन ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से वो बुलेट्स में बात करते हैं। तो ये सारी की सारी के वो कितने किस टाइम पे वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर कर देनी चाहिए, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर था आपका, चैप्टर नंबर 4, डिफाइन द प्रोजेक्ट। तो इसमें अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे लेक्चर में पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।